मेरी अनुमति के बिना तुम लंका में प्रवेश नहीं कर सकते। शांत माता शांत, आपके इस क्रोधित और विकराल रूप के पीछे छिपे हुए सौम्य एवं शांत रूप से मैं भली भांति परिचित हूँ। वो सुंदर और मनोहर रूप जिससे महाजोगी भगवान शिव शंकर भी सदैव मोहित रहते हैं। देखिए हमारी रक्षिका देवी अधिक क्रोध में है स्वामी, अनिष्ठा के संकेत मिल रहे हैं। कहाँ हैं आप स्वामी? महारानी मंदोत्री, अग्नि राज्य दस्ता स्वामी। आज आप प्रातः काल से ही कुछ व्याकुल सी हैं। लंकनी क्रोचा सबको सतर्क कर दिया है मैंने, यहां तक कि मैं स्वयं भी यहां उपस्थित हूं, फिर आप किस लिए इतनी चिंतित हैं? क्यों महारानी मंदोदरी? स्वामी स्वामी, प्रातः काल से आप शकुन हो रहे हैं और अब तो देवी चामुंडा के मंदिर में उनका रूप दहकती हुई अग्नि की तरह दिखाई दे रहा है। स्पष्ट है कि देवी अति अधिक क्रोध में है। स्वामी स्वामी, अनिष्ट के संकेत मिल रहे, आप स्वयं मंदिर चलकर देख लीजिए। माता, जिस पर आपकी कृपा हो वो तो आपको किसी भी रूप में पहचान लेगा। मैं हनुमान हूँ। एक समय प्रभु महादेव और स्वयं आपने वैद वैदनी का रूप धारण करके मेरा मिलन प्रभु श्री राम से करवाया था। उसी क्षण मैंने आपके उस रूप के दर्शन किए थे माता, जिसे महादेव भी अपलक देखते हैं। अपने उस रूप के दर्शन दीजिए माता, अपने उस रूप के दर्शन देकर हनुमान को कृतार्थ कीजिए माता। आइए स्वामी, स्वयं अपने नेत्र से माता का रौद्र रूप देख लीजिए। लंकेश दशानन, रावण का आपको प्रणाम है। देवी चामुंडा, ये कैसे हो गया? स्वामी मेरा विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रही हूं। अभी अभी कुछ क्षण पूर्ण इन दीपकों की ज्योति ज्वालामुखी भांति भबक रही थी और माता के चारों ओर उनकी क्रोध की अग्नि जलती हुई दिखाई दे रही थी।
ये देवी के क्रोध की नहीं, आपके भ्रम की अग्नि है जो बार बार भड़क रही है। असुरों की महारानी को यह शोभा नहीं देता। महारानी मंदोदरी, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि आप उस लंकेश की पत्नी हैं जिससे नवग्रह भयाक्रांत रहते हैं, जिसका नाम सुनते ही देवता कंपित हो जाते हैं, जिसका कुछ भी अहित नहीं कर सकता। आप उस रावण की पत्नी हैं। माता, मैं यहाँ किसी का कोई अहित करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। मैं तो मात्र इसलिए तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य मैं भाप चुकी हूँ। हनुमान, तुम यहाँ देवी सीता को ढूंढने आए हो ना, जिनके विक्षोभ में तुम्हारे प्रभु श्री राम व्याकुल हैं। ये कार्य लंकेश रावण का ही है। आश्चर्य है माता, जब आपको सब ज्ञात है तो आपने मुझे क्यों रोका? उस दुष्ट रावण और उसके इस पाप की नगरी लंका की रक्षा क्यों कर रही हैं आप माता? भगवान शिव की अर्धांगनी और जगत जननी माता पार्वती को ये सब क्यों करना पड़ रहा है माता? ये विवशता है मेरी। विवशता? आपको कोई कैसे विवश कर सकता है माता? तुम जानना चाहते हो तो सुनो हनुमान। रावण कुशल संगीतज्ञ है। एक समय महादेव के भक्त रावण ने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए संगीत और स्तुति को माध्यम बनाया। ऐसा मधुर संगीत था उसका कि संपूर्ण ब्रह्मांड संगीतमय हो उठा। जटाटवी कलज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम् भुजंग तुंग मालिकाम् डमट 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 डमन्निनाद मट्टवर्वयम् चकार चंड ताण्डवम् तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुक्त दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबी कंठ कंदली रुचि प्रवत्थ कंधरम स्मरच्चिदम पुरच्चिदम भवच्चिदम मखच्चिदम गजच्चिदांद कच्चिदम समंत कच्चिदम भजे। जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमत् भुजंगमश्वसत् विनिर्गमत् क्रमस्फुर कराल भाल अव्यवाढ्यमिद्धिमिद्धिमिद्धनन् मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थ मञ्जलिं वहन् विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कः शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। रावण, मेरे प्रभु
ये सत्य है माता, संगीत के माध्यम से शीघ्र ही आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। इसीलिए महादेव शिव भी संगीत के स्वरों से प्रसन्न होकर खींचे चले आए। हाँ हनुमान, रावण ने स्वामी को प्रसन्न तो किया ही, उनसे वरदान के रूप में प्रभु का आत्मलिंग मांग लिया। आत्मलिंग? हाँ हनुमान, आत्मलिंग स्वामी का ही एक रूप है जो सदैव उनके हृदय में विराजता है। रावण उसे यहाँ लंका में लाकर प्रतिष्ठित करना चाहता था, जिससे उसकी लंका सदैव के लिए अजय एवं अभेद्य हो जाए। प्रभु तो भोलेनाथ हैं, उन्होंने अवश्य ही रावण की इच्छा पूर्ण कर दी होगी। प्रभु तो आशुतोष है, अवगढ़दानी है, अपने भक्त को कुछ भी प्रदान करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। वरदान स्वरूप उन्होंने रावण को आत्मलिंग प्रदान तो कर दिया, परंतु साथ में एक प्रावधान भी कर दिया। तुम्हारे अद्भुत स्तुति और संगीत ने मुझे प्रसन्न कर दिया है रावण, मैं तुम्हें अपना आत्मलिंग प्रदान करूंगा, किंतु ऐसी किसी भी पवित्र वस्तु को ले जाने के लिए उस भक्त को उस वस्तु के प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा का प्रमाण देना होता है। प्रभु, मेरे ईष्ट, मेरे आराध्य, आपका परम भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति का कोई भी प्रमाण देने के लिए प्रस्तुत है। तो सुनो रावण, लंका पहुंचने से पूर्व मार्ग में कहीं भी तुम आत्मलिंग को पृथ्वी या किसी अन्य स्थान पर नहीं रखोगे, और दक्षिण समुद्र तक पहुंचने से पूर्व तुम पुष्पक विमान का प्रयोग भी नहीं करोगे। प्रभु, आपके श्रेष्ठतम भक्त रावण की भुजाओं में इतना बल है कि आपके पवित्र आत्मलिंग को मैं लंका तो क्या, समस्त ब्रह्मांड में अपनी भुजाओं में लेकर भ्रमण कर सकता हूं। अब लंका तक आपका पवित्र आत्मलिंग मेरी भुजाओं में आरूढ़ होकर जाएगा। ऐसे पृथ्वी पर रखने की मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी महादेव। महादेव, आपके कथनानुसार ही अब आपका ये भक्त रावण आपके आत्मलिंग को बिना भूमि पर रखे ही उसे लेकर लंका पहुंचेगा। स्मरण रहे रावण, यदि लंका पहुंचने से पूर्व मार्ग में तुमने कहीं भी लिंग को पृथ्वी पर रख दिया तो यह वहीं स्थित हो जाएगा, और फिर तुम्हें रिक्त हाथ ही लंका लौटना पड़ेगा। माता, रावण तो महाबली था, वो कैलाश से दक्षिणी समुद्र तक बड़ी सहजता के साथ प्रभु का आत्मलिंग लेकर जा सकता था। हाँ पुत्र, रावण स्वामी के आत्मलिंग को उठाए हुए वन, नदियाँ, पर्वत आदि पार करता हुआ लंका की ओर बढ़ता चला गया। तब देवताओं ने उसके मार्ग में अनेकों बाधाएं उत्पन्न की। वायुदेव ने धूल भरी आंधियां चलाई, पर रावण सतत आगे बढ़ता चला गया।
वरुण देव ने तीव्र जल धाराओं का प्रयोग किया जिससे रावण गिर जाए और आत्मलिंग का पृथ्वी से स्पर्श हो जाए। परंतु तीव्र जल धाराएं भी रावण के मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती। सूर्य देव ने अपना ताप बढ़ाया और अग्निदेव ने रावण के पंख के नीचे की शिलाओं को इतना अधिक तपाया कि वे कोयला बन गई। परंतु रावण की इस यात्रा को कोई नहीं रोक सका। तो क्या ऐसा कोई भी नहीं था माता जो रावण को लंका जाने से रोक सके? जब शक्ति असफल हो जाए तो युक्ति से कार्य करना चाहिए। रावण की यात्रा को रोकने वाला भी था कोई। यदि आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा, रावण अजय हो जाएगा और उसे पराजित करना असंभव हो जाएगा। उसके अत्याचार और अधिक बढ़ जाएंगे, राक्षसों के दुराचार और पापाचार से सब त्राहिमाम हो उठेंगे। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम के लिए भी रावण को परास्त करना असंभव हो जाएगा। हम सभी देवताओं के समस्त प्रयास असफल हो चुके। अब आप ही हमारी अंतिम आशा है पार्वती नंदन। आप सब चिंता मत कीजिए, पिताश्री के आत्मलिंग को लेकर लंका तक रावण को नहीं जाने देगा ये गणेश। प्रणाम देवगणों, आप सब चिंतित ना हो, समय तक रावण कोंकण क्षेत्र में स्थित एक समुद्र के निकट पहुंच चुका था। उसके संध्या वंदन का समय हो रहा था। लंकेश, यदि भक्ति भावना के साथ पिताश्री के आत्मलिंग को ले जाते तो मैं कदापि ना रोकता, किंतु अजय होकर संसार को प्रताड़ित करने की भावना से पिताश्री के आत्मलिंग को ले जा रहे हो जो अनुचित है। सूर्यास्त हो रहा है और मेरे संध्या वंदन करने का भी समय हो रहा है। महादेव ने तो पृथ्वी पर शिवलिंग को रखने से मना किया था। लंका पहुंचने से पूर्व मार्ग में कहीं भी तुम आत्मलिंग को पृथ्वी या किसी अन्य स्थान पर नहीं रखोगे। फिर मैं संध्या वंदन कैसे करूंगा? प्रतीत हो रहा है कि कोई है। आप ये प्रभु का शिवलिंग लिए यहाँ कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं भी जाऊं उससे तुम्हें क्या?
ब्राह्मण बालक, मैं कौन हूं ये तुम्हें अभी ज्ञात नहीं हुआ है। उचित होगा कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, अन्यथा तुम संकट में पड़ जाओगे। मैं तो महादेव का भक्त हूँ, प्रभु का शिवलिंग देखा तो। तुम जो भी हो, मैंने कहा ना पीछे हट जाओ, मेरा पीछा ना करो। फिर क्या हुआ माता? क्या गणेश जी महादेव के आत्मलिंग को रावण द्वारा लंका ले जाने से रोक पाए? भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न तो किया जा सकता है, पर निजी स्वार्थ के लिए की गई भक्ति से कभी फल नहीं प्राप्त होता।